ये है वो तस्वीर जब बीते साल 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की थार जीप किसानों को रौंदते हुए चली जाती है। जब लखीमपुर में हिंसक आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगा और खूब बवाल के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मगर अब यूपी चुनाव के बीच टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। जमानत किस आधार पर मिली है इस पर स्थिति साफ नहीं, लेकिन इस पर सियासत यूपी में खूब हो रही है। बीजेपी इसे अदालत का फैसला बता रही है तो विपक्षी पार्टियों को चुनाव में मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। चाहे किसी स्टार पुत्र की जमानत हो या किसी आम गरीब आदमी की या किसी नेता के पुत्र की, आखिरकार उस केस को देखकर कोर्ट निर्णय लेती है, तथ्यों को देखकर। और कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो न्यायपालिका का निर्णय है, न्याय करने का काम करती है और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें तो विश्वास है न्यायपालिका पर, शायद विपक्षी दलों को नहीं। इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे काय काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है इन पे मुकदमे, न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर है। यही न्यू इंडिया है, कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। याद कीजिए वो तीन कानून जिनके लिए किसान लड़े, किसान अपने अधिकारों के लिए बैठ गए, कितने साल बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली और यूपी में चुनाव के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। टेनी के बेटे पर यूपी के चुनाव में सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने अधिकारों के तहत जमानत दी है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को चुनाव। विपक्ष का आरोप है कि टेनी के बेटे को जमानत यूपी चुनाव में फायदा देखते हुए मिली। अजय मिश्रा टेनी यूपी की तराई वाली बेल्ट से, ब्राह्मण समाज का मजबूत चेहरा बीजेपी के लिए टेनी है। टेनी को लेकर विपक्ष चुनावी मौसम में हमलावर है और गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे पर सियासी महाभारत छिड़ गई। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।